स्वागत है आपका आप आई एस के डेली हिंदी 812 डिस्कशन में। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे चार आर्टिकल, जिसमें से पहला आर्टिकल है नए तथ्यों के मद्देनज़र सरकार बदले अपनी प्राथमिकता। ये गवर्नमेंट ना तो उसके लिए जो है तो कुछ ऐसे मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत होगी सरकार को, तो उसमें और भी ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म की मतलब कि बेहतर बड़े लेवल पे सरकार को काम करने की दिशा पर यहाँ पर से आर्टिकल जो है तो कुछ सजेशन देता है ना। तो वहीं अपने नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, तो ये आर्टिकल जो है तो साइबर सुरक्षा के लिए हो निर्णायक पहल है ना। ये शशि थरूर जी का आर्टिकल है, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट आइटम, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। ये कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो है ना, क्योंकि अभी हाल ही में जैसे हम देखते हैं कि जहाँ पास एक तरफ पेगासस जो मेलवेयर था है ना, जिसने कि काफ़ी व्हाट्सएप के डाटा को इंफॉर्मेशन को काफ़ी मतलब कि हैक कर लिया गया था, उसी तरह से जो है तो ये अपने जो कुडनकुलम में जो अपना परमाणु संयंत्र है वहाँ पास भी एक मतलब कि हाल ही उसी समय जो है तो ये साइबर वहाँ पास अटैक हुए थे है ना। तो उसी से रिलेटेड ये यहाँ पास आर्टिकल साथ ही साथ जो तो भारत की जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, कहाँ कुछ कह सकते हैं कुछ लूप होल भी देखने को मिल रहे हैं है ना, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है तो डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वहीं अपना नेक्स्ट आर्टिकल होगा तो ई कचरे के तमाम खतरों से व्यापार पर क्यों हैं हम है ना। ये ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड साथ ही साथ जो है तो अभी हाल ही में जैसे दिल्ली में कुछ कार्रवाई हुई है ना, तो उसमें जो है तो ई वेस्ट से रिलेटेड ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा आर्टिकल शुरू माना जा सकता है ना, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वही अपने जो नेक्स्ट आर्टिकल लास्ट आर्टिकल है ये है कि जिस तरह से अभी उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश यानी CJI हैं, तो उनके जो कार्यालय है उसको भी ITI के दायरे में जो लाने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही ये है, तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि अच्छा इसको डिसीजन माना जा सकता है ना, तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में हम इस एडिटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे ना। चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। जो पहला आर्टिकल है नए तथ्यों के मद्देनज़र सरकार बदले अपनी प्राथमिकता है ना, तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो सरकार है तो उसको तो अपनी प्रायोरिटी पर ध्यान देने की जरूरत है, जिस प्रकार से जैसे कि ये जो वर्तमान में सरकार है तो वैसे भी काफ़ी में एक प्रकार से काफ़ी जन समर्थन भी इसको काफ़ी हासिल है ना। तो ये देखते हैं कि इसमें जो है तो कुछ योजनाएं जो है तो उनको एक प्रकार से जमीन ग्राउंड लेवल पर उनको लाने के लिए जिस प्रकार से गवर्नमेंट का बेहतर एक प्रकार से इसका एक्सपीरियंस भी रहा है ना, और आगे जो है तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी कुछ अच्छे रिफॉर्म भी किए हैं, तो ये जो पूरी बातें हैं तो इनके संदर्भ में यदि हम देखते हैं कि सरकार को अर्थव्यवस्था को मजबूत कर बेहतर डिलीवरी के प्रति उत्प्रेरित करती है, ये तो ठीक ही है, लेकिन इसमें कोई ये भी दो राय नहीं है कि जैसे कि कुछ कानून भी जैसे सरकार ने काफ़ी कड़े स्टैंड भी लिए हैं जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उनका क्षणिक तो उसका कोई लाभ नहीं दिखेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में जो है तो देश के लिए कह सकते हैं कि इनको बेहतर रिफॉर्म के तौर पर देखा जा सकता है। उनको उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे कि 3 तलाक कानून पर जो बिल लाया गया है ना, तो वहीं अपने हम आर्टिकल 370 को हटाने की बात करते हैं, तो वहीं ये अयोध्या मंदिर संबंधी जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदि जो ऐसे फैसले हैं, तो हम इनकी बात की जाए तो ये हालांकि इनसे तो एक प्रकार से सकारात्मक माहौल देखने को मिलता है, लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि यानी कि सरकार को इस तरह भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो औद्योगिक उत्पादन हम यदि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से औद्योगिक उत्पादन जो है तो पिछले 8 साल में एक प्रकार से न्यूनतम स्तर पर आ गया है ना। वहीं यदि हम PMO से संबद्ध आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्ययन के मुताबिक भी देखी जाए तो देश की जो आबादी है उसमें लगभग यदि हम बात करते हैं कि यदि 100 लोगों की वृद्धि हो रही है तो उसमें से लगभग 50 को ही मात्र रोजगार मिल पा रहा है ना। तो यानी हम देखते हैं कि द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की यदि हम रिपोर्ट का हवाला दिया जाए तो उसमें भी ये देखा जाए कि अभी हाल हमने इस रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से डिस्कस भी किया है कि है ना, जिस प्रकार से जो है तो जो यानी कि हमारे यंगस्टर्स या बड़ी जो युवा जनरेशन है युवा वर्ग है तो किस प्रकार से मनरेगा की तरफ शिफ्ट हो रही है तो वही कि मनरेगा में काम करने वाले युवाओं का प्रतिशत किस प्रकार से बढ़ा है, क्योंकि शहरों में नौकरियाँ कम हो रही हैं है ना, तो लोग कामों में ही लौट करके जो है तो मनरेगा वगैरह की तरफ जो है तो रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। तो सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि निर्यात के क्षेत्र में चीनी और कुछ मसालों को छोड़कर यदि बात करें कि हर जिन्स में एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत की बात किया तो अगर देश के लगभग 67% वर्ग के हाथ में पैसे नहीं होंगे तो वहाँ पास एक प्रकार से डिमांड ही जनरेट नहीं होगी है ना, तो निश्चित तौर पर जो है तो कोई भी प्रोडक्ट लोग खरीदने की कैपेबिलिटी लोगों में नहीं हो पाएगी जब उनके पास हाथ में पैसे नहीं होगा तो निश्चित तौर पर इससे क्या हो जाएगा कि जो उत्पादन हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा गिरेगा, साथ ही साथ जो है एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो यदि हम एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं अर्थशास्त्री नर्स के अनुसार बात की जाए तो ये कभी ना खत्म होने वाली एक
प्रकार से ये श्रृंखला है, कंटिन्यू कह सकते हैं कि सीरीज के तौर पर की ये चीज़ें, तो एक प्रकार से डिमांड एंड सप्लाई तो इकोनॉमी में भी चीज़ें चलती ही रहती हैं, लेकिन अच्छी नीति और सक्षम डिलीवरी मशीनरों के जरिए इस श्रृंखला को तोड़ा भी जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि जो मोदी गवर्नमेंट है उनका ये प्रयास वो नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से भी काफ़ी कुछ रिफॉर्म लाने का प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन आज जब अधिकांश राज्यों में भारतीय मतलब कि यहाँ पर सरकार जो है साथ ही साथ जो है तो ऐसे जो तो यहाँ पास क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पास हमारे बात करते हैं कि कई राज्यों में जिस प्रकार सेंट्रल में तो ठीक है एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पास राज्यों में जो है तो अलग अलग उसमें जिस प्रकार से देखते हैं कि जैसे यहाँ पास कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वेरिएशन इन द सेंस ऑफ कि जैसे बात करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जो है तो सेंट्रल लेवल पर कोई भी यदि पॉलिसीज़ को लाती है ना, तो उस पॉलिसीज़ को जब उसका एक प्रकार से स्ट्रेटजिक ढंग से लाती है, लेकिन जब उसको स्टेट में उसको इम्प्लीमेंट करने की बातें आती हैं तो वहाँ पास जो अलग अलग जो पार्टीज़ हैं है ना, तो वहाँ पास जो ये मतलब कि ये पॉलिसीज़ होती हैं तो उसमें जो उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, तो वहाँ पर जो ये जो सरकारें हैं राज्य सरकारें हैं तो उसको बेहतर तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट करती या तो उसमें कभी कभी शामिल भी नहीं होती है, इस तरह के उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है तो एक प्रकार से कहने का मतलब यह है कि जो मुख्यमंत्री को भी एक प्रकार से सख्त संदेश देना होगा कि उनका प्रदर्शन है ना, जो जैसे कह सकते हैं कि सरयू नदी के तट पर 5 लाख दिए जलाने से भर से या बिहार में कुछ क्रिटिसाइज़ करना पॉलिटिकल लीडर्स को है ना, उससे बस काम नहीं बनने वाला, बल्कि जैसे फसल बीमा पॉलिसीज है ना इनमें भी एक प्रकार से सही तरीके से इनको एक रणनीतिक ढंग से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। साथ ही साथ और जो अपराध नियंत्रण करके नए उद्योगों को भी ज़्यादा बढ़ावा देने से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी है ना। राजनीतिक दलों को और खास करके यदि सत्ताधारी दल को भी ये समझने की जरूरत है कि यदि हम देखें कि खाली इमोशनल उससे ये चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलती, क्योंकि हम बात करते हैं कि जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं तो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं, वो तो क्षणिक होते हैं है ना। तो जैसे कि स्पेशल तौर पे लोगों को तो मतलब होता है कि अपना उनका हित किस प्रकार से सद रहा है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि कोई भी फैमिली हो तो वो देखती है कि उसको रोज़गार उसके घर के लोगों को लड़कों को मिला है कि नहीं, युवाओं को रोज़गार मिला कि नहीं है ना। साथ ही साथ किसान ये भी देगा कि फसल के दाम में की जो लागत है ना वो एक से उनको बेहतर तरीके से उनके से जो लागत है तो उससे नीचे ना हो। तो इस प्रकार से जो सशक्तिकरण की जो खोखली चेतना है या इस प्रकार से कि मंदिर निर्माण ये जो मुद्दे हैं कि अंकुरवाड के तरीके बनाया जाएगा, तो ये जनमानस को कुछ समय तक ही बांध करके ये चीज़ें रख सकते हैं, लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए इसको हम नहीं वो कर सकते हैं ना। तो जो केंद्र की ये जो योजनाएँ हैं तो अच्छी और दूरगामी परिणाम देने वाली हैं, लेकिन उनके अमल में राज्यों की जो शिथिलता है तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। इसलिए ज़रूरत है कि एक प्रकार से जो है तो सेंट्रल को इनको राज्यों को भी एक प्रकार से इंटीग्रेट करके इनको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है ना। तब जो है तो कोई भी पॉलिसीज होगी तो एक प्रकार से उसका बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा है ना। तो बस वहीं अपना नेक्स्ट आर्टिकल है या साइबर सिक्योरिटी के लिए हो निर्णायक पहल, ये जैसे कि ये शशि थरूर जी का आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल इसको माना जा सकता है। कुड़नकुरुन के जो नाफके यूरिया संयंत्र में सितंबर में जो मलवेयर अटैक हुआ था उसकी जो पुष्टि हो तो उससे भी एक प्रकार से साइबर सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की तो भारत की एक प्रकार से चिंता और भी ज़्यादा ये बढ़ ही जाती है कि भारत के इससे इतने सेंसिटिव क्षेत्र पर यदि न्यूक्लियर पावर के जो संयंत्र हैं इनमें यदि साइबर हमारी सिक्योरिटी बेहतर तरीके से नहीं है तो निश्चित तौर पर जो है तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ये चिंताजनक संदेश के तौर पर इसको जाना जा सकता है ना। जैसे हम देखते हैं कि नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL ने स्वीकारा भी है कि सितंबर में उसके जो कुडनकुरुन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है उस पर मैलवेयर का अटैक हुआ है ना। इससे जो है तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के सरकार का जो एक प्रकार से काफ़ी लचर रुख है तो उसके प्रति भी लोगों को एक प्रकार से चिंता शायद ही कम हो सके, काफ़ी ज़्यादा मतलब किससे तो चिंता बढ़ ही जाएगी है ना। वहीं NPCIL ने जो लोगों के ये आश्वासन देने की भी कोशिश की, जैसे कि जो हमारा महत्वपूर्ण सिस्टम है उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ है ना, और मैलवेयर ने सिर्फ प्रशासनिक नेटवर्क को हिट किया है। हालाँकि मतलब कि NPCIL ने ये स्पष्ट भी किया है कि जो है तो जो कुडनकुरुन का संयंत्र है स्पेशल तौर पे उसका खाली ये जो अटैक मेलवेयर का हुआ था ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क पर ही ये अटैक हुआ था, उसके संयंत्र पे ज़्यादा इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन ये प्रशासन एक कह सकते हैं कि नाभिकी प्लांट का ही तो है। हालाँकि यदि हम देखते हैं कि चाहे किसी भी तरह से चाहे संयंत्र में हो या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क पर हो, लेकिन है तो उसी का पार्ट ही ना ना। तो यदि हम देखते हैं यहाँ पास कि जैसे कि यहाँ सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया की घोषणा के बावजूद उस तंत्र और नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत ही कम काम किया गया जिस पर देश की कैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था ही खड़ी है ना। तो अगर हम इस ध्यान देने की जरूरत बात करें क्योंकि जिस प्रकार से गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है ना, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सेंसिटिव जो डाटा है वो भी एक प्रकार से डिजिटल जिस प्रकार से हो रहे हैं, तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट को जो है तो अपने डाटा को सिक्योरिटी के हिसाब से भी है ना, तो अपनी जो साइबर सिक्योरिटी उसको भी उसी हिसाब से स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है जो कि अभी नहीं दिख रहा है ना। तो यदि हम देखते हैं कि जैसे कि यह जो मैलवेयर नाभिकीय संयंत्र के परिसर में कैसे आया,
और आम इंटरनेट से कटे हुए डिजिटल ढांचे में इसका प्रवेश कैसे हुआ, ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये भी क्वेश्चन रेज होते हैं। क्या इसने वास्तव में कुडनकुलम संयंत्र को निशाना बनाया था या फिर या किसी अन्य साइबर हमले के बाद बचे हुए संक्रमण का एक प्रकार से नाम मात्र का असर ही था, ये भी यहाँ पास मतलब कि सवाल उठता है। ये हम देखते हैं कि सरकार को इन कुछ यहाँ पास मतलब कि राइटर ने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं कि आखिर गवर्नमेंट को इन क्वेश्चन का जवाब ये भी देना चाहिए कि अगर कुडनकुलम जैसे भारतीय रणनीतिक संस्थान हैं उनको यदि जानबूझ कर निशाना बनाया गया तो फिर कौन सी जानकारी उसमें से चुराई गई, ये भी महत्वपूर्ण है ना। साथ ही साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि यह कहना भी पर्याप्त नहीं है कि संक्रमण सिस्टम प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग हो रहा था, तो क्या इस सिस्टम में पासवर्ड या अन्य ऐसी गोपनीय जानकारियां थी जिनसे भविष्य में ऐसे और हमलों के लिए रास्ता बन सकता है ना। तो यदि देखते हैं कि इस घटना से जो हुए नुकसान को न्यूनतम करने और भविष्य में ऐसे साइबर अटैक को रोकने के लिए सरकार की योजना क्या है, इस दिशा में भी मतलब कि सरकार को मतलब कि कह सकते हैं कि क्वेश्चन रेज किए जा सकते हैं। तो यदि हम देखते हैं कि सूचना तकनीक कानून 2000 के आर्टिकल 70A के तहत सरकार जो है रणनीतिक महत्व के संस्थानों को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो इंफॉर्मेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित कर सकती है ना। इस आर्टिकल 70A के तहत जो है तो सरकार रणनीतिक महत्व के संस्थानों को एक तरह से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित कर सकती है और इस आधार पर उन्हें डिजिटल हमलों से बचाने के लिए उनकी जो घेरेबंदी भी कर सकती है यानी कि उनको प्रोटेक्शन प्रदान कर सकती है। तो यदि इस उद्देश्य के लिए हम बात करते हैं कि नोडल एजेंसी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर यानी कि NCIIP है ना। तो ये देखते हैं कि NCIIP ये तो इसके लिए है कि एक कसी नोडल एजेंसी है प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए। वहीं हम देखते हैं कि 2017 में जैसे तत्कालीन ऊर्जा और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने भी संसद में ये घोषणा उन्होंने की थी कि NCIIP ने जो संवेदनशील ऊर्जा संस्थान है उनको साइबर हमलों से बचाने के लिए कोई ज़्यादा काफ़ी मतलब कि कई कदम उठाए तो हैं है ना, लेकिन क्या सरकार अब ये बताएगी कि ये कदम क्या थे, ये दिशा में मतलब ये भी क्वेश्चन रेज होते कि इसने मतलब कि काफ़ी कुछ प्रयास किया है अपने साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, तो फिर इस तरह के लूपहोल यहाँ पास देखने को क्या मिला, तो यहाँ पास मतलब उसने क्या कदम उठाया, ये भी मतलब कि यहाँ पास क्वेश्चन ये भी रेज होता है किस प्रकार से उसने कदम उठाया है ना, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो ये हम देखते हैं कि हकीकत यह है कि ये जो डिजिटल इंडिया की घोषणा है उसके बावजूद इस तंत्र को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत ही कम फिर काम हुआ है ना। और ये हम देखते हैं कि 2013 में लागू की गई राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी जो पॉलिसी थी वो डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में आई तेज प्रगति की वजह से पीछे रह गई है। आज जहाँ साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दुनिया में एक प्रकार से ये साइबर दुनिया में विध्वंसात्मक गतिविधियां करना सस्ता है, जबकि इससे बचना या इसका जवाब देना काफ़ी ज़्यादा महंगा है, यानी कि उल्टी चीज़ें हैं। इसके लिए जो कह सकते हैं कि इसके नकारात्मक परिणाम कह सकते हैं कि इसको जो साइबर जो वर्ल्ड है ना ग्लोबल लेवल पर बात करें तो इसे नष्ट करना जो है तो काफ़ी ज़्यादा आसान है कंपेरिजन कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए है ना, प्रोटेक्शन से ज़्यादा इसको नष्ट करना आसान है। तो लेकिन आज की बात करें आज के चैलेंजेस से निपटने के लिए तो इस प्रकार की जो पॉलिसीज है उनको काफ़ी ज़्यादा अमेंड करने की भी कोई खास पहल देखने को नहीं मिली है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने पर भी एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा लचरता देखने को मिल रही है ना। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि डिफेंस साइबर एजेंसी उसके गठन पर भी इस तरह की मतलब कि लापरवाही देखने को मिल रही है। कहा यह गया था कि मतलब कि जो है तो अप्रॉक्स मई जून में ये जो DCI है उसको स्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन अब इसमें कोई ज़्यादा खास मतलब कि ऐसे कोई कदम देखने को नहीं मिल रहे हैं सरकार के। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये DCI आखिर क्या था। तो ये जो मिलिट्री डिफेंस सिस्टम जो है तो उसको साइबर अटैक से सुरक्षित रखने के लिए ये जो है तो यानी कि मई जून में जो है तो ये डिफेंस साइबर एजेंसी DCI इसकी शुरुआत करने के प्रयास मतलब सरकार ने कदम उठाए थे है ना। वहीं नौसेना के जो वरिष्ठ अधिकारी एडमिरल मोहित गुप्ता इसके प्रमुख होंगे, वहीं इसका जो हेडक्वार्टर वो दिल्ली में था है ना, दिल्ली में होगा इसके बारे में जो एक प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना था है ना। वहीं यदि हम बात करते हैं कि DCI जो है तो अन्य देशों से स्पेशली जो है तो पाकिस्तान और चीन उससे जो होने वाले जो साइबर अटैक है उनके खतरे से निपटने का ये काम करेगी DCI। वहीं साइबर एजेंसी का दायरा जो है तो धीरे धीरे देश भर में बढ़ाने की बातें हुई थी, जहां यूनिट में साइबर सिक्योरिटी हेड तैनात किए जाएंगे। वहीं एजेंसी भारतीय सशस्त्र बल और DRDO के साथ मिलकर के हैकर्स को रोकने का भी काम करती है ना ये जो DCI है। वहीं पाकिस्तान या चीन के हैकर जैसे हमारे डिफेंस सिस्टम में एक तरह से काफ़ी अटैक करते रहते हैं और अक्सर ऑनलाइन हमला करते रहते हैं, तो गौरतलब है कि जो सैन्य बल हैं उनमें भी पेन ड्राइव मेलवेयर राइट हार्डवेयर इनका उपयोग करने को लेकर सैन्यकर्मियों को पहले से ही काफ़ी मतलब कि चेतावनी जारी की जा चुकी है ना। तो ये जो DCI का पाल था तो इसमें भी काफ़ी जो खुश मतलब कि ज़्यादा प्रयास देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये अभी स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की बात की जाए या जो DCI है तो उसका क्या असर होगा, क्योंकि यदि हम बात करते हैं सरकार भारत के रणनीतिक उद्देश्यों के प्रति पहल को लेकर के जब एक तरह से काफ़ी डिलेमा देखने को मिल रहा है ना। तो कुडनकुलम पर साइबर हमला इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है, या कथित तौर पर उत्तर कोरिया के लाजारूस ग्रुप का काम हो सकता है, लेकिन
क्या होगा अगर यह या कोई और साइबर ग्रुप या चीन या पाकिस्तान के इतका से ये भी कर सकते हैं ना, इसमें क्या इसका कोई बेहतर तरीके से स्पष्टीकरण नहीं देखने को मिला है ना, किसके पीछे किसका हाथ था। तो इस हमले पर भी सफाई एकदम कैसे वैसे नौकरशाही अंदाजे में दी गई कि जैसे पहले इस घटना को ही पहले नकारा गया था कि ये इसका कोई अटैक हुए है गुडनकुलम में है ना, और बाद में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है कि जो मतलब कि जो हमारा महत्वपूर्ण सिस्टम है वो सुरक्षित है। इस प्रकार की मतलब बातें बाद में की गई जबकि हमले के बड़े उद्देश्य को नज़रअंदाज कर दिया गया है तो ना, तो इस प्रकार से मतलब कि हमें डाटा प्रोटेक्शन के लिए भी काफ़ी कुछ संवेदनशील होने की ज़्यादा ज़रूरत है ना। इन बात करते हैं कि भारत को तो प्रकार से जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की किलेबंदी के साथ ही राजनयिक कोशिशें भी करने की ज़रूरत है ताकि जो विभिन्न देश हैं उनको साइबर स्पेस में संयम बरतने को कहा जा सके है ना। इसे हम बात करते हैं कि भारत जैसे 2016-17 से ही ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट यानी कि GGI में सक्रिय भागीदार रहा है भारत है ना। तो यदि इस ग्रुप के गठन का उद्देश्य ही था कि साइबर स्पेस में एक्का से बिहेवियर के प्रति एक्का से जो आचरण उसके प्रति विभिन्न देशों के लिए एक्का से नियम कायदे तय करना था ना, लेकिन इसे इसमें काफ़ी आम सहमति सहमति के बिना ये खत्म हो गया था। तो 2015 में जो GGI की रिपोर्ट में जो विभिन्न देशों से भी आग्रह किया गया था कि वे अन्य देशों के महत्वपूर्ण ढांचे को एक्का से निशाना ना बनाए है ना, लेकिन इन नियमों को किस प्रकार से लागू किया जाए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेबल है ना। तो December 2019 से इसे कैसे फिर से मतलब कि छठवीं बार इसको पुनर्गठित भी किया जा रहा है। तो इस बार इसकी अभी लगभग 2 साल होगी। तो यह इस बात का एक प्रकार से पता लगा है कि साइबर स्पेस में सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं पर अंतर्राष्ट्रीय नियम किस तरह से लागू हो सकते हैं। वहीं भारत इस ग्रुप का हिस्सा है और उसे अपनी कुशल संस्थाओं का इस्तेमाल करके ऐसी मजबूत रिपोर्ट तैयार करानी चाहिए जिससे नाभिकीय संयंत्र समेत महत्वपूर्ण संस्थानों को निशाना बनाने से बचाया जा सके। तो इन प्रावधानों का तब तक कोई ज़्यादा महत्व नहीं है जब तक कि उन्हें अंतरिक्ष के इस्तेमाल के समान ही अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी दर्जा न हासिल हो। आखिर में इस तरह के किसी भी गंभीर अतिक्रमण को रोकने और ऐसा करने वाले को तो निश्चित तौर पर दंडित करने के लिए भारत को अपनी आक्रामक साइबर क्षमताओं को नियमित रूप से और ज़्यादा स्ट्रांग करने की ज़रूरत है ना। देखते हैं कि जैसे कि धैर्य के लिए तो हम कह सकते हैं कि एक ये कहावत भी है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध की तैयारी करें, और यह साइबर युद्ध पर भी ये चीज़ें लागू होती हैं। देश की अनेक संस्थाएं भी चाहती हैं कि हमारी जो साइबर कैपेसिटी है वो ज़्यादा इन्हेंस हो बढ़े, लेकिन इसके लिए उच्च स्तर से पहल हमें मतलब करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ निजी क्षेत्र से प्रतिभाओं की जोड़ने की भी सरकार की क्षमता पर एक प्रकार से निर्भर होता है, इसके लिए एक प्रकार से तेज़ी से फैसला लेने की भी ज़्यादा मतलब की ज़रूरत है ना। वही कूडनकुलम की घटना ने तो उस सब के लिए एक प्रकार से हमें जो है तो कह सकते हैं खतरे की घंटी के तौर पर इसको देखा जा सकता है कि जो देश की जो साइबर सुरक्षा है उसकी चिंता जो देश की साइबर सुरक्षा की चिंता करते हैं। तो यह समय हम बात करते हैं कि सरकार के लिए अगली ऐसी किसी भी साइबर सेंध को रोकने के लिए एक प्रकार से निर्णायक कदम उठाने की ज़रूरत है ना। तब बेहतर तरीके से भारत जो है तो जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है तो साइबर सिक्योरिटी की उसमें भी भारत को उसी ढंग से जो है तो बेहतर तरीके से एक रणनीतिक दृष्टिकोण से मतलब काम करने की जरूरत है ना। तो शॉर्ट कट में हम चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यह आर्टिकल में यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को सूचना अधिकार कानून के तहत चलाने वाला फैसला है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक बेहतर इसको डिसीजन माना जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का है ना। जैसे देश के सबसे मतलब कि एक प्रकार से जो है तो अदालत का यह फैसला कि पारदर्शी प्रशासन के पक्ष में एक बड़ी जीत ही के तौर पर इसको देखा जा सकता है कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यालय है तो उसको जो है तो RTI के दायरे में जो लाना एक प्रकार से बेहतर इसको डिसीजन माना जा सकता है। वही यदि देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की जो संविधान पीठ है इसके इस फैसले से तो स्पष्ट ही होगा कि जो 2010 में जो दिल्ली हाईकोर्ट का ये डिसीजन आया था कि शीर्ष अदालत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके कार्यालय को RTI के दायरे में लाना आना चाहिए है ना। तो ये निर्णय जो है तो एक प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट का था है ना। तो उसमें उसने स्पष्ट भी किया था कि पारदर्शिता से न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती है, उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जो महासचिव हैं तो इससे ज़्यादा सहमत नहीं थे और उन्होंने ये जो है तो इस फैसले को चुनौती दी थी। तब इसकी एक तरह से बड़ी वजह तो ये रही कि उच्चतम न्यायालय के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के आदेश से वो असहमत थे, इसीलिए जो तो ये याचिका भी दायर की गई थी। तो इस असहमत के चलते जो है तो एक तरह से कह सकते हैं खुद उच्चतम न्यायालय जो है तो मुकदमेबाजी में उलझा रहा और ये फैसला काफ़ी डिले होता रहा था है ना। तो एक तरह से देखते हैं कि यदि इसको पहले से ही मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बेहतर होता, क्योंकि सूचना के अधिकार को तो निजता के अधिकार में बाधक नहीं कहा जा सकता है ना। और यदि हम बात करते हैं कि ये देखें कि इसको तो अच्छा नहीं कह सकता कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है ना, इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन था तो सुप्रीम कोर्ट की एक्सेप्टेंस लगने में इतने उसे लगभग 9 साल लग गए आज है ना। तो हालांकि अब कह सकते हैं कि भले ही देर से आए लेकिन एक कैसे इसको मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ही डिसीजन इसको माना जा सकता है ना। तो यदि देखते हैं कि
पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का निर्वहन साथ साथ किया जा सकता है। यहाँ पर इस पीठ का जो निर्णय आया था तो उसमें ये चीज़ें मतलब कि स्पष्ट की गई हैं। और ये भी उल्लेखनीय है कि इस पीठ में वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ वे भी 3 न्यायाधीश भी शामिल थे जो कि भविष्य में जो है तो उनके उत्तराधिकारी बन सकते थे, यानी कि वो आगे आने वाले समय में मुख्य न्यायाधीश बन सकते थे, वो भी इसमें शामिल थे। यानी कि कस कह सकते कि ये जो है तो एक इसको बेहतर डिसीजन माना सकता है, माना जा सकता है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यालय है कुछ शर्तों के साथ ही सूचना अधिकार कानून के दायरे में आएगा, इसलिए ये देखना भी होगा कि उससे क्या जानकारी हासिल की जा सकती है और क्या नहीं, है ना। उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। तो ये आशा की जानी चाहिए कि इस फैसले के असर जो है तो कॉलेजियम के कामकाज को भी पारदर्शी बनाएगा, उसमें भी मतलब कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि कॉलेजियम भी काफ़ी ज़्यादा विवाद में ही रहता है ना। तो आखिर जब खुद ये सुप्रीम कोर्ट का ये मान चुका है कि कॉलेजियम व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तब फिर उसके कामकाज को पारदर्शी बनाने की दिशा में आगे बढ़ा ही जाना चाहिए, है ना। इसमें मतलब कि और कुछ मतलब कि कह सकते हैं कि पहल करने की ज़रूरत है इसमें पारदर्शिता लाने के लिए, है ना। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश उनके कार्यालय को भी सूचना अधिकार कानून के तहत लाने वाला फैसला एक जरूरी संदेश भी दे रहा है कि लोकतंत्र में कोई भी और यहाँ तक कि शीर्ष अदालत के न्यायाधीश भी कानून से परे नहीं हो सकते हैं, है ना। तो बेहतर यह कि संदेश को राजनीतिक दल भी जो है तो ग्रहण करें जो इस पर एक तरह से वकालत करते रहते हैं कि सूचना अधिकार कानून के दायरे में लाना ठीक नहीं है, है ना। उन दलों को तो ये व्यर्थ की दलीलें इनको कहा जा सकता है, इसका कोई औचित्य नहीं कि राजनीतिक दल सूचना अधिकार कानून से बाहर रहें, है ना। तो राजनीतिक दलों के तो ये रवैया जो है एक तरह से लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध ही इसको माना जा सकता है। जब इतना बड़ा शीर्ष जो न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश को जब लाया जा सकता है तो एक तरह से ये जो है एक तरह से को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, है ना। तो बस इस आर्टिकल में हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये कचरे के तमाम खतरों से बेपरवाह क्यों हैं हम, है ना। तो ई वेस्ट से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि जैसे देखते हैं कि जब एक तरह से जहाँ एक तरफ जो है दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा जो है तो पॉल्यूशन की समस्या देखने को मिल रही है, तो वहीं हम देखते हैं कि एक तरह सलोनी के सेवाग्राम में जो है तो पुलिस ने लगभग 30 जगह पर छापे मारे और वहाँ पर लगभग 100 क्विंटल से ज़्यादा ई कचरा जब्त किया गया था, है ना। असल में तो इन कारखानों में ई कचरे का एक तरह से सरेआम जला करके जो है तो अपने काम को उसे काम की जो धातुएं थी तो वहाँ पर लोग निकालने का अवैध कारोबार कर रहे थे, है ना। इससे तो एक तरह से धुएं पूरा इलाका परेशान ही था, प्रशासन भी मतलब वहाँ पास ये देखने को मिला इतना सारा ई कचरा जो है तो आखिर किस प्रकार से यहाँ कैसे आया, है ना। ये भी फिर सवाल उठता है कि मतलब कि इतना इतना प्रशासन के चाक चौबंद होने के बाद भी, है ना, तो इस प्रकार से इतने बड़ी मात्रा में जो ई कचरा यहाँ पास अवैध तरीके से यहाँ पास हो रहा था, तो ये भी एक प्रकार से प्रशासन की लचरता को ही मतलब प्रदर्शित करता है, है ना। तो अब ये जैसे कि पुलिस के पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कि एक कचरे को सहेज करके रखा जा सके, ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई इसमें बेहतर तरीके से कोई सीवेज ढंग से इसका कोई ज़्यादा मतलब कि एक प्रबंधन करने की कोई ज़्यादा वही नहीं है, है ना, कदम उठाए ही नहीं गए हैं, है ना। तो ये भी देख जैसे देखते हैं कि यदि इनको हम देखते हैं कि ये जो है तो ऐसा कूड़ा है जिसके लिए जगह बनाने रिसाइकिल करने की व्यवस्था हमने अभी तक मतलब की ही नहीं है, है ना। इसमें मतलब कि लापरवाही इसमें देखी जा रही है। एक अनुमान के हिसाब से बात की जाए तो इस साल के अंत तक लगभग 33 लाख मीट्रिक टन ई कचरा जमा हो जाएगा, है ना। यदि इसके सुरक्षित निपटारे के लिए अभी से काम नहीं किया गया तो धरती हवा और पानी में जो घुलने वाला इसका जहर है तो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक सिद्ध होगा, है ना। तो यदि कहते हैं कि हर सुविधा या विकास की एक प्रकार से माकूल कीमत चुकानी ही होती है, लेकिन इस बात का पता नहीं था कि इतनी बड़ी कीमत मतलब की चुकानी होगी, है ना। देश की जैसे कारोबारी हम उसमें बात करते हैं कि जो मुंबई से हर साल लगभग 1.20 लाख टन कचरा निकलता है, है ना। वहीं देश की हम उसमें बात करते हैं कि राजनीतिक राजधानी भी बहुत पीछे नहीं है, यहाँ भी लगभग सालाना 98,000 मीट्रिक टन ई कचरा जमा हो जाता है, और इसके बाद 92,000 मीट्रिक टन ई कचरे के साथ बेंगलुरु भी थर्ड नंबर पर देखा जा सकता है। यानी कि एक तरह से जो ये महानगर हैं तो यहाँ पर एक तरह से ई कचरे से पूरी तरह से पटे हुए ढेर यहाँ पास देखने को मिल रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि इसमें से एक प्रकार समाज 2.5% ही कचरे का सही तरीके से निस्तारण हो पा रहा है। ये भी मतलब कि और भी ज़्यादा चौंकाने वाले तथ्य हैं कि जहाँ इतने भारी मात्रा में इतने बड़े मात्रा में इन महानगरों में ई कचरे ई वेस्ट जो निकल रहा है, लेकिन वो रिसाइकिल खाली मात्र 2.5% ही उसका प्रबंधन हो पा रहा है। यानी कि बाकी का जो कचरा है लगभग 98% ये तो एक प्रकार से ऐसे ही खुले में पड़ा ही रहता है, है ना। तो यूँ ही मतलब कि जो है तो और ज़्यादा एक प्रकार से हमारे पर्यावरण को और भी ज़्यादा एक प्रकार से दूषित करता है। जैसे बाकी कचरा तो इससे जुड़े अवैध कारोबार को भी एक तरह से आमंत्रित करता ही है, क्योंकि इसका जब सही निस्तारण नहीं होगा तो उसका तो और तरीके से लोग अपने हिसाब से दोहन करेंगे ई वेस्ट का जो अपने, है ना। तो जैसे कि हम बात करें कि जैसे गैर सरकारी संगठन टॉक्सिक लिंक की यदि हम रिपोर्ट पर ध्यान दें तो दिल्ली में सीलमपुर, शास्त्री पार्क, तुर्कमान गेट, लोनी, सीमापुरी सहित लगभग 15 ऐसे स्थान हैं जहां पूरे देश का ई कचरा पहुंचता है, है ना। और वहां इसका गैर वैज्ञानिक व अवैध तरीके से निस्तारण होता है, उसमें कोई ज़्यादा खास पहल देखने को नहीं मिल रही। ऐसी बेतरतीब तरीके से जो है तो उसका निस्तारण हो रहा है जो कि और मतलब कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से बात की जाए तो और भी ज़्यादा वो हानिकारक सिद्ध हो सकता है ना। तो इसके लिए बड़े स्तर पर एक तरह से तेजाब का इस्तेमाल होता है ना। तो
जो हम बात करते हैं कि जो हमारे एयर पॉल्यूशन है उसके साथ ही धरती को भी एक तरह से बंजर बनाता है ना, और साथ ही साथ जो है तो यमुना को भी एक तरह से जहरीला ही बना रहा है। उसके पानी में भी जब उसके जो ये मिलते हैं तो और भी ज़्यादा उसको जहरीला बनाते हैं, है ना। तो जैसे बात करते हैं कि हम थोड़ा सा इसमें देखें कि जैसे टीवी कंप्यूटर मॉनिटर के पिक्चर ट्यूब रिसाइकिल ये नहीं हो सकते हैं, है ना, पुराने टीवी वगैरह। तो इसमें जो है तो लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम जैसे घातक पदार्थ होते हैं। आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि जो कभी कभी चीज़ें पूछ दी जा सकती है कि जैसे ई वेस्ट जो होता है ना, ई कचरा होता है, तो ई कचरे में कौन कौन से जो है तो ये एलिमेंट होते हैं ना। तो इसमें से एग्जाम्पल आपको दे सक मतलब कि ऑप्शन दे सकता है लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, इस टाइप के ऑप्शन आपको साइंस के उस पर जीएस पेपर फर्स्ट में दे सकता है प्रीलिम्स में, है ना। तो इसमें से आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा और अच्छे से, है ना। वहीं देखते हैं जैसे कि इसके साथ ही हम जैसे अगर बैटरी और मोबाइल फ़ोन के कचरे को भी जोड़ लें तो लगभग उसमें निकिल, कैडमियम और कोबाल जैसे तत्व भी जो होते हैं ई कचरे में ही अपनी भूमिका निभाते हैं, है ना। तो यदि हम देखें कि कैडमियम से जैसे फेफड़े प्रभावित होते हैं, जबकि कैडमियम के धुएं धूल के कारण जो है तो फेफड़ा और किडनी ये दोनों ही इनको काफ़ी ज़्यादा गंभीर नुकसान पहुँचता है। तो एक कंप्यूटर का वजन इस बात की जाए तो लगभग 3.15 किलोग्राम होता है। इसमें लगभग 1.9 केजी जो है सीसा, 0.693 ग्राम पारा, 0.04936 ग्राम आर्सेनिक होता है। तो ये सारे जो पदार्थ हैं जब जलाए जाते हैं तो उससे सीधे तौर पे जो तो वातावरण में घुल करके उसे दूषित करते हैं, है ना। और इनका अवशेष जो तो पर्यावरण के विनाश के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि विनाश का कारण ही बनता है। तो इनमें से हम बात करें कि अधिकांश सामग्री तो एक प्रकार से गलती सड़ती ही नहीं है, वो एक प्रकार से कह सकते हैं डिकम्पोज ही नहीं होते, और ज़मीन में एक प्रकार से जमा होकर के मिट्टी की भी गुणवत्ता को काफ़ी ज़्यादा दूषित करते हैं उसको, और भूमि को एक प्रकार से बंजर बनाते हैं। साथ ही साथ जो है तो भूजल को भी एक प्रकार से जहरीला बनाने का काम करते हैं। तो इन रसायनों को एक प्रकार से जो अदृश्य भयानक सच ये है, तो इसकी वजह से तो हमारी जो पूरी खाद्य श्रृंखला है तो वही बिगड़ जा रही है। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से बात करते हैं तो अभी हमारे एक प्रकार से खाने का जो है तो उसका भी पार्ट ये बन जाता है, है ना। एक हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो ई कचरा प्रबंधन नियम है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करें कि जो ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 है ना, ये अक्टूबर 16 से प्रभाव में आया था। तो ये नियम जो है तो हर निर्माता, उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता, विक्रेता, अपशिष्ट संग्रहकर्ता, उपचारकर्ता व उपयोगकर्ताओं आदि सभी पर ये लागू होता है, पहली बात। वहीं जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं उनको औपचारिक रूप दिया जाएगा, है ना। वहीं ये बात करते हैं कि साथ ही जो है तो श्रमिकों को ई कचरे के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, स्पेशल तौर पर यहाँ पर बताया गया कि प्रशिक्षित के उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तब उसको वो वेस्ट मैनेजमेंट ई कचरे के मैनेजमेंट की तरफ आएंगे, ना कि उनमें से कीमती धातु को निकालने के लिए मतलब कि उसके बाद। वहीं इस नियम से पहले जो ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 था वो प्रभावी था। यदि हम देखते हैं साथ ही जैसे ई कचरा प्रबंधन संशोधन नियम है तो ये जो है ई कचरा संग्रहण के नए निर्धारित लक्ष्य जैसे 1 अक्टूबर 2017 से प्रभावी माने जाएंगे। वहीं जैसे कि इसमें हम बात करते हैं विभिन्न कचरों में जैसे ई कचरे का संग्रहण लक्ष्य 2017-18 के दौरान उत्पन्न किए कचरे के वजन का लगभग 10% होगा, जो 2023 तक प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से बढ़ता जाएगा। वहीं 2023 के बाद यह लक्ष्य कुल उत्पन्न कचरे का लगभग 70% हो जाएगा। यदि किसी उत्पादक की बिक्री परिचालन के वर्ष उसके उत्पादों की औसत आयु से कम होंगे तो ऐसे में जो नए उत्पादकों के लिए ई कचरा संग्रहण हेतु लगभग अलग लक्ष्य निर्धारित करने किए जाएंगे। वहीं उत्पादों की औसत आयु है जो समय समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा मतलब निर्धारित किए जाएंगे। वहीं हानिकारक पदार्थों से संबंधित जो व्यवस्था है उसमें ये ROH के तहत जो ऐसे उत्पादों की जांच का भी खर्च सरकार वहन करेगी यदि उत्पाद ROH की व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं हुए तो, और उस हाल में एक तरह से जांच का जो खर्च है वो भी उत्पादक को ही वहन करना होगा। ये भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। वहीं उत्पादक जवाबदेही संगठनों को नए नियमों के तहत जो है तो कामकाज करने के लिए खुद को पंजीकृत कराने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष जो है आवेदन करने होंगे। यहाँ पर सेट कर से जो है तो ये जो ई वेस्ट ज़्यादा बढ़ा देते तो उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड भी अकाउंटेबिलिटी सेट करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इस रूल में। वहीं जो है तो ये जो मार्च 2018 को आसूचित GSR 261E उसके तहत जो ई वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 है उसको संशोधित किया गया था, है ना। तो अब यदि हम देखते हैं कि जैसे वैसे केंद्र सरकार ने 2012 में भी ई कचरा प्रबंधन और संचालन कानून लागू किया है, लेकिन इसमें से दिए गए जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन होता नहीं दिख रहा है। मई 15 में भी संसदीय समिति ने देश में ई कचरे की चिंताजनक रफ्तार से बढ़ने की समस्या को भी एक तरह से उसको लेकर गंभीरता मतलब जताई थी, और लगाम लगाने के लिए जो विधायी तंत्र स्थापित करने की सिफारिश भी की थी, लेकिन उसमें कोई खास प्रगति देखने को नहीं मिल रही है ना। ऐसा नहीं कि कचरा एक तरह से महज आफत है। झारखंड के जमशेदपुर स्थित जैसे हम बात करें राष्ट्रीय धातुकरण प्रयोगशाला, तो उसके धातु निष्कर्षण विभाग में तो ई कचरे में छिपे जो सोने हैं उसको निकालने की एक तरह से सस्ती तकनीक खोजी है। एक तरह से कह सकते हैं कि यदि हमारे एक तरह से यदि इकोनॉमिक की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप कह सकते हो लोगों को ये जो है तो कीमती धातु के तौर पे भी उपलब्ध हो सकती है, और बेहतर तरीके से इसका ई वेस्ट का भी मैनेजमेंट भी हो जाएगा, है ना। तो यदि एक का से हम ट्रेंड तरीके से जो है तो इस दिशा में काम करने की जरूरत है तो बेहतर होगा हमारे पर्यावरण के हिसाब से भी, और उससे कुछ इनकम भी लोगों को हो जाएगी, है ना। तो इसके माध्यम से 1 टन ई कचरे से लगभग 350 ग्राम सोना निकाला जा सकता है। तो ये भी आगे सुनने को मिला कि अगले ओलंपिक में जो विजेता खिलाड़ियों को मिलने वाला जो मेडल है तो उससे भी ई कचरे से बनाया जा रहा है, यानी कि एक कह सकते हैं कि ये जो है तो इसको और ज़्यादा अप्रिशिएट करने का प्रयास कर
रहा है ना, इससे जो है तो लोग इस दिशा में और मतलब प्रयास करें। तो एक तरह से कह सकते हैं जरूरत यह है कि कूड़े को गंभीरता से लिया जाए और उसके निस्तारण की गंभीरता को समझा भी जाए, तब बेहतर तरीके से हम मतलब कि इस तरह से ई कचरे के प्रबंधन की तरफ आगे बढ़ सकेंगे, है ना। ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।